सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच गए हैं। ट्रैवल थीम पर सजाया गया ये कार्यालय है। सीधी तस्वीर है भोपाल से, सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, काफी अहम बैठक है। सदाब आईडी लगा लो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी शुरू होगी। इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। साफ दिखाई देता है कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है ये। विषय तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और सबने मिलकर तय किए हैं, उन पर चर्चा होगी। लेकिन सामयिक जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उन पर चर्चा होती है, पार्टी के संगठन के कामों पर चर्चा होती है और आगामी लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लेकिन मैं तो आज केवल इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बहुत शोर मचाती थी डीजल और पेट्रोल के दामों का। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल बाबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, एनडीए की सरकारों ने राज्य में केंद्र के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए, अब मैडम सोनिया गांधी क्या कर रही है? कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री डीजल और पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं कर रहे, वेट क्यों नहीं घटा रहे? अब तक ये घड़ियाली आंसू रोते थे, जनता के कष्टों का झूठा रोना रोना, और जब प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, राज्य सरकारों ने कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, तो अब चुप्पी दबाए बैठे हैं। कांग्रेस को जवाब देना होगा। हम जवाब मांगते हैं कि वो वेट कब कम कर रहे हैं जहां उनकी सरकारें हैं। बाकी बैठक बैठक के बारे में पीडी शर्मा जी बताएं, एमपी के लिहाज से आप अभी अभी अध्यक्ष जी बताएं, अध्यक्ष जी अभी अभी चुनाव जीते हैं, मध्यप्रदेश के लिहाज से कितनी इम्पोर्टेंट ये बैठक है सर? देखिए, हर बैठक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। पार्टी की बैठक केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहती, चुनाव का भी विश्लेषण करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के जो हमारे लक्ष्य हैं वो भी तय होते हैं और उसके हिसाब से आगे चलते हैं। बाकी अध्यक्ष जी, अरे आप बोलिए, एक तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो आज बैठक है, एक अलग ढंग से जो हो रही है कोविड के रहते हुए, लेकिन इससे पहले मेरा जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। संपूर्ण देश में मध्य प्रदेश की जो चुनाव के अंदर रिजल्ट्स आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी जीत हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता को अभिनंदन भी करते हैं। और साथ में यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे हमेशा कहना रहता है कि डबल इंजन सरकार, इधर मध्य प्रदेश में माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में राज्य सरकार जो कल्याणकारी काम कर रही है, और उधर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार संपूर्ण देश और मध्य प्रदेश के लिए जो चिंता कर रही है उसके ऊपर जनता ने फिर से टोक बजाकर मोहर लगा दिया है, और हम आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ेंगे। और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त जी के नेतृत्व में इस चुनाव में जिस प्रकार से काम किया है, वे सभी कार्यकर्ता और नेता अभिनंदन के पात्र है। मध्य प्रदेश में अब आने वाले दिनों में स्थिरता और समृद्धि, यही हमारे दो दिशाएं रहेंगे, इस दिशा में हम काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, आने वाले दिनों में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हम
हमारे सरकार की नीतियां और हमारे पार्टी की गतिविधियां, ये दोनों 51% वोट प्राप्ति के लिए हमारा वोट शेयर अब आने वाले दिनों में बूथ से लेकर प्रदेश तक 51% वोट शेयर के ओर बढ़ना, ये हमारा कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे सरकार के लिए हमारे नीतियों के लिए लक्ष्य रहेगा। बीजेपी की नीतियों को लेकर यहाँ तमाम बड़ी बातें कही गई और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं। उन्होंने भी यहाँ पहुंचकर सबसे पहले कांग्रेस पर निशाना साधा है, कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस अब क्यों चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस पर भी उन्होंने पलटवार किया है और अब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के लिए तैयारियां तेज हैं। आप देख सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वहां पर मौजूद हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आप स्पॉट कर पा रहे होंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में भी जेपी नड्डा, अमित शाह पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 21 सदस्य इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और सीएम शिवराज समेत 11 पदाधिकारी वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के 10 नेता दिल्ली में शामिल होंगे इस बैठक में। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सभी वहां पहुंच चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अंदर जाते हुए और थोड़ी ही देर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अब शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश के 11 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। काफी अहम बैठक बीजेपी के लिए, उपचुनाव में जीत के बाद काफी अहम माना जा रहा है इस बैठक को। चूंकि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है तो तमाम बड़े मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, कार्यालय को भी जनजातीय यानी कि ट्राइबल थीम से सजाया गया है। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। 51% वोटर्स की बात कही है ये माननीय अमित शाह जी ने। हमेशा ये संकल्प दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, हर बूथ पर 50% से ज्यादा मत हम ले, ही हमारा संकल्प है। और हमारा ये प्रयास है कि हर चुनाव में बूथ को हम इतना मजबूत करें कि प्रत्येक बूथ पर जीतकर, और लोकतंत्र में जो एक महत्वपूर्ण पहलू है कि 50% से ज़्यादा मत लेकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम सक्षम बनाएं, भारतीय जनता पार्टी इस काम में माननीय अमित शाह जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग कर रहे हैं। तारीफ की है मुरलीधर राव जी ने, जिस तरह से आप लोग ने जीत हासिल की, तो क्या ये माना जाए जैसा आपके बारे में कहा जाता रहा जब से आप नेतृत्व कर रहे हैं, ये चीजें दिखाई भी दे रही, तो ये 51 की तरफ भी आप बढ़ चले? देखिए हम 51 की तरफ भी बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक सामूहिक नेतृत्व है जिसको हम लोग टीम स्पिरिट कहते हैं। हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं हम टीम स्पिरिट से लड़ते हैं, तो ये माना जाए कि अब ये टीम स्पिरिट के साथ 51 की तरफ और आगे बढ़ेंगे। एक मोदी जी की तारीफ की है एक मैगजीन है और लगातार हम देख रहे हैं कि उनका हम नहीं पूरे भारत के 130 करोड़ लोग गौरवान्वित हैं कि भारत के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका की एक एजेंसी ने दुनिया का सबसे लोकप्रिय ताकतवर नेता आज अपने सर्वे के अंदर जो उन्होंने कहा है, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। पूरे भारतवर्ष अपने प्रधानमंत्री पर गौरव करता है। तो ये बीडी शर्मा जी हैं जो इस वक्त बात कर रहे थे और आप देखिएगा कि शिवराज जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। शिवराज जी तारीफ की, प्रधानमंत्री जी की तारीफ की है, ये क्या कहेंगे आप एक बार फिर? अमेरिका की एक एजेंसी है कि सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, ये अब सारी दुनिया कह रही है। ये उनके कामों के आधार पर है, उनके व्यक्तित्व के आधार पर है, वो केवल देश नहीं दुनिया के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसा देख रहे हैं आप, शिवराज जी भी शामिल हुए हैं बैठक में और साथ ही हम बात कर रहे हैं बीडी शर्मा जी भी, और समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह तारीफ की गई है उसको लेकर गौरवान्वित भी है। और बड़ी बात यह है कि 51% की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो अभी तक 50% कहा जाता था, लेकिन अब 51% की तरफ बीजेपी बढ़ेगी बूथ पर, यानी 51% पर कब्जा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है जी। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी, जिन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से विशेष बातचीत की और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
देश का ही नहीं दुनिया का भी सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। और इस तरह से आपको बता दें, थोड़ी देर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी शुरू होने वाली है। लगातार अपडेट्स आप बंसल न्यूज पर देख सकते हैं। चलिए इसी बीच रुक रहे हैं।